स्वागत करते हैं यूएस समाधान की एक और लेक्चर में आज भी का और जो मार्शल लॉ का सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर की बात करेंगे यूनिट नंबर 2 थर्मोडायनेमिक्स। आज हम जो बात करने वाले हैं बात करेंगे ताप का उसमें गतिकीय पैमाने की बात करने वाले हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत हम अगर बात करें अगर हम एक थर्मोमीटर या तापमापी मान बनाना है तो हम किस प्रकार से बनाते हैं। ठीक है, थर्मोमीटर या जो तापमापी बनाते हैं उसके लिए हम क्या करते हैं एक ऐसे गुण को चुनाव करते हैं, ऐसे गुण का चुनाव करते हैं जिसका मान क्या हो ताप के साथ उसका रेखीय परिवर्तन हो। परंतु हमें ऐसे कैसे मालूम होगा, पता कैसे चलेगा कि अमुक गुण ताप के साथ परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा है। जब हम आदर्श केसों की बात करते हैं या तो मैं क्या करता हूँ स्थिर दाब पर या स्थिर आयतन पर मैं उनके ताप के साथ परिवर्तन को देखता हूँ तो रेखीय रूप मिलते हैं। परंतु ये भी जो आदर्श केस की जो कल्पना है वो भी क्या वास्तविक नहीं है। इसलिए हमारे पास उष्मगति आधारित मैंने क्या लिया एक पैमाना लिया जिसको हम उष्मगति के तापीय पैमाना या केल्विन पैमाना कहते हैं। ठीक है, उसको क्या क्या रखा गया, उसको एक अंश के आकार का माना गया तथा एक मोल पदार्थ को एक मोल की परिभाषाओं को मानते हुए उसको परिभाषित किया गया एक आदर्श गैस पैमाना ज्ञात किया गया। ठीक है, अभी हम बात करते हैं थर्मोमीटर तापमापी बनाने के लिए हमें क्या चाहिए एक गुण। थर्मोमीटर या तापमापी बनाने के लिए हम क्या करते हैं हमें गुण चाहिए। गुण कैसा, जो ताप के साथ रेखीय परिवर्तन करे, ऐसा गुण होना चाहिए जो क्या करे ताप के साथ क्या करे रेखीय परिवर्तन करे। परंतु अगर बात करें हमें कैसे पता चलेगा कि ऐसा गुण अमुक गुण हमें मिल नहीं रहा है, मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो प्रश्न उठता है प्रश्न उठता है हमें कैसे पता चलेगा कि अमुक गुण रेखीय परिवर्तन है या नहीं। ठीक है, अब देखिए इसके लिए हम बात करते हैं हमारे पास आदर्श गैसों का संदर्भ था, इसका था आदर्श गैसों की। अगर हम बात करें आदर्श गैसों की, आदर्श गैस की बात करते हैं हम क्या करते हैं दाब या ताप को क्या करते हैं स्थिर, तो फिर हमें क्या प्रतिना है रेखीय ताप सॉरी आयतन ताप के साथ ताप के साथ कितना रेखीय परिवर्तन। तो ये भी क्या था आदर्श गैस स्वयं क्या है एक काल्पनिक घटना, एक था काल्पनिक घटना है इसको भी हम नहीं मान सकते। अब इसके आगे क्या गया उष्मागति की, फिर हमें क्या मिला हमें मिलता है उष्मागति की मान पैमाना कैसे कहते हैं हम केल्विन पैमाना। ये क्या होता है इसके लिए क्या गया लोड केल्विन ने जो क्या किया एक स्थिर आयतन पर, ठीक है एक स्थिर आयतन पर, ठीक है स्थिर आयतन पर किया गया थर्मोमीटर में गैस प्रवाहित करवाई
ठीक है, एक स्थिर आयतन पर थर्मामीटर में गैस प्रवाहित करवाई, पहला कार्य इसने ये किया। दूसरा कार्य क्या किया, इसने एक ये या कह सकते हो एक अंश के आकार इसे माना तथा एक पदार्थ के एक मोल को सही मानते हुए इसे परिभाषित किया। ठीक है, अब क्या हुआ, इसमें एक अपेक्षित था हिमांक बिंदु, हिमांक बिंदु, हिमांक बिंदु कैसे मिला, हिमांक बिंदु में इस प्रकार से मिला, जब मैंने एक स्थिर आयतन पर थर्मामीटर में गैस प्रवाहित की तो मुझे मिला हिमांक बिंदु। एक होता है मेरे पास भाप बिंदु, भाप बिंदु की बात करें तो इनके मध्य क्या रखा गया, 100 अंशों का अंतर, या 100 अंशों में इसको क्या किया गया, बांटा गया, तो एक अंश को कहते हैं सेंटीग्रेड, सेंटीग्रेड, ठीक है, कैसे गया सेंटीग्रेड। इसका जो फॉर्मूला लिखा गया वो लिखा गया टी पी माइनस पी आई और पी माइनस पी एस माइनस पी आई इंटू 100। इसको और अच्छे से लिखा गया तो टी नोट पी आई 100 पी एस माइनस पी आई लिमिट पी आई का मान 0 की ओर अग्रसर है। टी आई यहाँ पर टी 0 क्या था, सर्वत्र नियतांक था, सर्वत्र नियतांक, ठीक है, जो क्या कहते हैं गैस पर निर्भर नहीं करता, गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, केवल पीएस में पीआई के मान वृद्धि पर निर्भर करता है। ठीक है, जो पीएस और पीआई के मान वृद्धि पर केवल यह निर्भर करता है। तो पैमाना उसकी वर्तमान परिभाषा की अगर बात किया जाए तो इसको एक स्थित बिंदु, जल के त्रिक बिंदु के द्वारा इसको परिभाषित किया गया है। ठीक है, ठीक है, एक निश्चित बिंदु बिंदु से परिभाषित किया गया इसको, किसको, वर्तमान में तापमान पैमाने को। ठीक है, त्रिक बिंदु किसका, जल का त्रिक बिंदु, जल का त्रिक बिंदु जो शुद्ध जल व जल वाष्प में क्या हो शामिल, कितना माना गया 273.16। ठीक है, 273 क्या हो गया माना गया 16। इसका जो अंश होता है ना, अंश सेंटीग्रेड होता है, वो उसमें अगत्य किया है, अंश के बराबर है। ठीक है, एक अंश एक केल्विन के लगभग बराबर है, ये जो मान लिया गया 273.15, जिसे क्या बोलते हैं मूल प्रारंभ या शून्य सही कहते हैं, मूल प्रारंभ से या कहते हैं शून्य से इसको कहते हैं।
273.15 केल्विन है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं सेल्सियस, तो सेल्सियस अंश को एक केल्विन के बराबर मान लिया गया है, जो मूल प्रारंभ या सही पर शून्य से पर कितना है 273.15 के इसका मान है। तो ये बार इतना